सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने आज सुबह 8:16 पर अंतिम सांस ली, जिसके बाद से उनके समर्थक उन्हें याद कर रहे हैं। पक्ष विपक्ष हर कोई उनसे जुड़ी अपनी यादों को साझा कर रहा है। उनके जाने से लोगों का दिल टूट गया है। पत्रकार से लेकर अभिनेता सभी शोक में डूबे हैं। इसी बीच पत्रकार रूबिका लियाकत ने भी नेताजी को याद किया और वो भावुक हो गई। चलिए आपको बताते हैं कि मुलायम सिंह यादव के लिए रूबिका लियाकत ने क्या कुछ कहा। मुलायम सिंह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में वेंटिलेटर पर थे, जहां 10 अक्टूबर को उनका निधन हो गया, जिस पर पत्रकार रूबिका लियाकत ने भावुक होते हुए एक ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए उन्होंने मुलायम सिंह यादव की तस्वीर को अपलोड किया और लिखा है, नेताजी आज रुला गए, सुबह सुबह मनहूस खबर आई, नहीं रहे मुलायम सिंह यादव, आपकी कमी हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत खलेगी सर, ओम शांति। अब रूबिका लियाकत के ट्वीट पर जनता भी रिएक्ट कर रही है, जहां एक यूजर ने लिखा है, भारतीय राजनीति का एक युग समाप्त हुआ, नेताजी मुलायम सिंह यादव नहीं रहे, समाजवाद के इस योद्धा को विनम्र श्रद्धांजलि। दूसरे यूजर ने लिखा, पहलवानी मास्टरी और उसके बाद नेतागिरी, सब में अव्वल थे नेताजी, भगवान उनके समर्थकों व परिवार वालों को इस दुख की घड़ी में सहारा दे, ओम शांति। एक और यूजर ने लिखा, मुलायम सिंह का निधन दुखद है, वो सबको साथ लेकर चलने वाले नेता थे, उन्हें धरती पुत्र कहा जाता था क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए थे, उनका निधन देश की राजनीति के लिए क्षतिपूर्ण है। एक और यूजर ने लिखा, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। आपको बता दें, अचानक से तबीयत बिगड़ने की वजह से मुलायम सिंह यादव को 22 अगस्त को मेदांता अस्पताल में भर्ती किया गया था, जिसके बाद 1 अक्टूबर को उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया और 10 अक्टूबर को अब उनका निधन हो गया है, जिसके बाद से पूरे देश में लोग शोक में डूबे हुए हैं। नेता से लेकर अभिनेता तक सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि भी दी, उनके साथ अपने अपने पलों को याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके साथ अपने यादों को साझा किया। चलिए आपको सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलायम सिंह यादव को याद कर क्या कुछ कहा। साथियों, आज सुबह मैं यहां आ रहा था तो एक दुखद खबर भी मिली। आज मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है। मुलायम सिंह यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मुलायम सिंह जी के साथ मेरा नाता बड़ा विशेष प्रकार का रहा है। जब हम दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिला करते थे, वे भी और मैं भी दोनों के प्रति एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे, और 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने 14 के चुनाव के लिए मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए आशीर्वाद दिए, तो मैंने विपक्ष में भी जो लोग थे, जिनसे मेरा पहले से परिचय था, ऐसे कुछ महानुभावों को, जो देश के वरिष्ठ राजनेता थे, राजनीतिक रूप से हमारे विरोधी थे, लेकिन उन सबको फोन करके आशीर्वाद लेने का मैंने एक उपक्रम किया था। और मुझे याद है उस दिन मुलायम सिंह जी का वो आशीर्वाद, कुछ सलाह के दो शब्द, वो आज भी मेरी अमानत है। और मुलायम सिंह जी की विशेषता रही कि 2013 में मुझे उन्होंने जो आशीर्वाद दिया था, उसमें कभी भी उतार चढ़ाव नहीं आने दिया, घोर राजनीतिक विरोधी बातें के बीच भी, जब 2019 में पार्लियामेंट का आखिरी सत्र था पिछली लोकसभा का,
और संसद के अंदर मुलायम सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता, उन्होंने खड़े होकर के पार्लियामेंट में जो बात बताई थी, वही देश के किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के जीवन में बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। उन्होंने संसद में खड़े होकर के कहा था, कोई लाग लगेट के बिना कहा था, राजनीतिक आटा पाटा के खेल के बिना कहा था। उन्होंने कहा था, मोदी जी सबको साथ लेकर के चलते हैं और इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि वो 2019 में फिर से चुन करके देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कितना बड़ा दिल होगा जो मुझे जब तक जीवित रहे, जब भी मौका मिला, उनके आशीर्वाद मिलते रहे। मैं आज आदरणीय मुलायम सिंह जी को गुजरात की इस धरती से, मां नर्मदा के तट से उनको आदरपूर्वक भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार, उनके समर्थकों को ये दुख सहने की शक्ति दे।